फिर 50 प्रश्नों की जीएस सामान्य अध्ययन रजनी की महत्वपूर्ण सीरीज के साथ मैं दुर्गेश ईलर्निंग में दुर्गेश पेंसिल एज ए गेस्ट के रूप में आपके बीच हाजिर हूँ। जी हाँ, आज की सीरीज आपके लिए काफी स्पेशल और महत्वपूर्ण होने जा रही है। यहाँ से ऐसे प्रश्न आज हम लोग पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा में हूबहू पूछे जाएंगे। ये प्रश्न की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं होता और सिलेक्शन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम प्रश्न का उत्तर ही नहीं बल्कि उसकी संपूर्ण विकल्प की व्याख्या भी पढ़ेंगे क्योंकि यह व्याख्या आपके परीक्षा में आपको सिलेक्शन से आपके नज़दीक पहुँचा सकती है। तो बिना देरी किए अब हमें अपनी क्लास में जुड़े रहना चाहिए और आपके साथ अपना बेस्ट भी देना चाहिए। कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, क्योंकि रेस के घोड़े ही रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप एक रेस के घोड़े हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि ध्वनि सबसे तेज संचालन करती है। एकदम आसान प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि ध्वनि सबसे तेज संचालन करती है, कहां करती है। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी साथी निर्वात में, जल में, इस्पात में या वायु में, बिना देरी किए हमें आपको आप सभी को प्रश्न का जवाब देना है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा जहां भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी। देखिए, अगर ध्वनि में सबसे तेज संचरण करती है किसमें, एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया है और यह आपका राइट आंसर रहा है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर जो आप लोगों ने दिया इस्पात, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्या होगा? इस्पात इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक, क्या होगा? इस्पात इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक, चलिए यहाँ पर एक बात जानते रहिएगा, अगर हम पूछा जाए इस्पात में सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है। ठीक, सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल क्या है? इस्पात में है। दूसरी बात यहाँ पर आपको और जाननी चाहिए और समझनी चाहिए कि वायु में अगर देखा जाए निर्वात की जो चाल है वो कितना है? 332 मीटर प्रति सेकेंड है। क्या है? 332 मीटर प्रति सेकेंड की दर से है, जबकि एल्युमिनियम में 6420 है। जल में पूछा जाए तो 1483 मीटर। ये अभी भी नहीं लग रहा है, फेसबुक नहीं लग रहा है, चेक करिए। वायु में निर्वात, अगर निर्वात में देखा जाए तो भैया निर्वात में क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि निर्वात में इसकी चाल क्या होगी। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, दूसरा, रसोई घर की एक गैस मिश्रण है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि यह सीरीज आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी सीरीज से हो, चाहे आप साइंस वर्ग से हो, कला वर्ग से हो, विज्ञान, भाषा, सभी के लिए यह आपके लिए अनिवार्य है। तो रसोई घर गैस किसका होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बिना देरी किए आप इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। ठीक है, तो जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा क्योंकि आप जैसे लोग सफलता के दहलीज पर पहुंचना है। रसोई गैस एक मिश्रण है, किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन का। एकदम राइट आंसर आप लोगों ने बताया है क्योंकि द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे हम LPG कहते हैं, LPG का फुल फॉर्म क्या होगा कमेंट करके जरूर बनाइएगा। यह हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होता है, इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, जबकि प्राकृतिक गैस में मीथेन और इथेन होता है। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न आपको जानना है, एक प्रश्न यहाँ से समझना होगा, इन गैसों के जो मिश्रण है, इन सभी मिश्रण को सही से, जी हाँ, इन सभी जो मिश्रण है आपका, इस मिश्रण के लिए, इसके महत्व के लिए इसमें और क्या मिलाया जाता है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। यहां पे करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में समसामयिकी और करंट अवेयरनेस भी है। तो चलिए बिना देरी किए हम इस प्रश्न का जवाब देना चाहिए। इंडियन प्रीमियर लीग जिसे हम IPL कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में IPL कहते हैं। तो उस IPL में आपको यहाँ जवाब देना है, ये बताना है कि इसका कौन सा संस्करण था और 2020 में हुआ आयोजित उसमें कौन सा संस्करण था। इन दोनों का जवाब आप सभी को देना है। सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं इन दोनों संस्करण का उत्तर क्या होगा, 12वां संस्करण, 11वां संस्करण या 19वां संस्करण या 7वां संस्करण, कौन सा संस्करण था भाई। इस बारे में हम बात करते हैं, यह इंडियन प्रीमियर लीग 2019 का 12वां संस्करण था। कौन सा? 12वां संस्करण था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा, इसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया और 60 मैच खेले गए। कितने मैच खेले गए? 60 मैच खेले गए और 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। टीम की संख्या 8 और मैच की संख्या 60 थी। तो यहाँ पे यह प्रश्न आपका पूरी तरह से सही है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बताया है उनके जवाब भी पूरी तरह से सही है। अगला है, जलते हुए बल्ब के तंतु का तापमान समानता क्या होता है। तो जो भी कि साथ ही साथ हम लगे हाथ हम लोग ये भी पढ़ लें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऐसे प्रश्नों का सही उत्तर क्या होगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथी।
देखिए प्रश्न नंबर 4 का क्या होगा, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का जो तापमान होता है ना वो 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब दिए गए जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प होगा वह आपका क्या है, वह आपका सी का राइट आंसर होगा। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, 1878 में थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे सही विकल्प होगा वह आपको यहाँ से पता चल गया। ठीक, अब हम और आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न को पढ़ते हैं, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है। तो जो साथी वीडियो को लाइक देख रहे हैं वे जल्दी से कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब देंगे फटाफट, क्योंकि जल्दी से जवाब दीजिएगा। ये मानिए कि आप परीक्षा हाल में बैठे हैं, इस समय कहाँ पे बैठे हैं आप, परीक्षा हाल में हैं, और परीक्षा हाल में होते तो आप इस प्रश्न का जवाब क्या देते। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथी मित्रों को। कभी कभी आपके बीच लाइव आने में कुछ समय की देरी किसी टेक्निकल समस्या की वजह से हो जाती है, कि मेरे पास 24 घंटे होती है, इसलिए आप लोग जुड़े रहिएगा। ये सेक्शन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जी हाँ सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस वीडियो के अंत तक आप सभी को बने रहना होगा। तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा कि आप लोग तैयार हैं। चलिए देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारे सामने उत्तर है इसको भी पढ़ना है और इसे भी समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। ठीक, चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ आपके सामने है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, कि इसमें कौन सा राज्य की बात कर रहा है। तो जल्दी से बताइएगा आपके हिसाब से कौन सा राज्य होगा, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके। देखिए इस प्रश्न का उत्तर अगर हम देखें बहुत आसानी तरीके से, ये होगा कर्नाटक। कर्नाटक जिन लोगों ने बताया है उनके जवाब 5 का बी होगा, कि कर्नाटक में पूरे भारत का अगर देखा जाए तो 45% शहतूत रेशम का अकेले उत्पादन करता है, जबकि दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर 28% है, उसके बाद पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, इसलिए प्रश्न का जो सही विकल्प होगा, ठीक इसलिए प्रश्न का उत्तर बी राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि 50 नंबर की सीरीज आपके लिए निर्णायक की भूमिका निभाएगा, इसलिए भैया अंत तक क्लास के बने रहिएगा, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा जरूरत पड़ने पर। अगला है, लुई पाश्चर किसकी खोज की थी, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, इस संडे आपके लिए 11 बजे से आपके लिए संपूर्ण भारत की भूगोल की सीरीज चलेगी। यह क्लास 6 घंटे की होगी, आप सभी लोग तैयार रहिएगा। संपूर्ण भारत की भूगोल इस रविवार शाम सुबह 11 बजे से लाइव होगी। संपूर्ण भारत का भूगोल आप लोग तैयार रहिएगा कॉपी कलम और नक्शे के साथ। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बताइए लुई पाश्चर ने किसकी खोज की, सभी आप देंगे कि लुई पाश्चर ने किसकी खोज की। जी हाँ, इस प्रश्न का एकदम सही, मैं चारों प्रश्न का विस्तृत व्याख्या आपके सामने करने जा रहा हूं, जरा कॉपी कलम को अपने पास तैयार रख लीजिएगा। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके का खोज किया था, किसके, रेबीज के टीके का। रेबीज टीका क्या है, जब किसी व्यक्ति को पागल कुत्ता काट लेता है तो उसके शरीर में रेंडो वायरस नामक विषाणु फैलता, कौन सा, अगर वायरस का नाम लिखना चाहिए लिख लीजिएगा, विषाणु कौन सा फैलता है ये पूछ सकता है, ये विज्ञान का है और ये फर्स्ट पेपर में सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण होगा। वायरस नामक विषाणु फैलता है जिसकी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है पागल कुत्ता काटने पर, रेबीज रोधी टीका लगाती है। लुई पाश्चर ने की थी, कब की थी, 1888 में किया था। लेकिन अगर इंसुलिन की बात की जाए कि इंसुलिन की खोज किसने किया था, जरा कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जी हाँ, साइंस की, मैथ की, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, SST सभी क्लास होंगी ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, सभी लोग इस पे जुड़े रहेंगे। लेकिन यह 9:30 बजे सबके लिए महत्वपूर्ण है, सभी को जुड़ना है, सभी को पढ़ना है। जल्दी कमेंट करके बताइए सभी साथी। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इंसुलिन की बात की जाए तो इसकी खोज किसने किया था, कोई बताएगा, फ्रेडरिक सैंगर ने किया था। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग इसकी पूरी व्याख्या पढ़ेंगे, बेसिक वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या होगा इसका, फ्रेडरिक सैंगर इसका सही जवाब होगा। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पे इन्होंने कब किया था, 1958 में किया था, इसीलिए इन्हें रसायन विज्ञान का नोबेल भी मिला था।
पोलियो टीका किसकी, जॉन सॉल्क ने किया था, किसने किया था लिखना चाहे लिख लीजिएगा, जॉन सॉल्क ने, जॉन सॉल्क ने किया था, और कब किया था 1952 में किया था। अगर पेंसिलिन की बात की जाए तो पेंसिलिन की खोज किसने किया था, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग जरा कमेंट जरूर करेंगे। यार आप लोग वीडियो को शेयर, मुझे बार बार कहने में बुरा भी लगता है, आप लोग पहला काम वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पैसे नहीं कटेंगे उसके, इस वीडियो को अपने शेयर कर दीजिएगा। जितने लोग जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ये फर्स्ट सेक्शन 50 प्रश्न सबके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके लिए बनाया गया है, ठीक है। अब पेंसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, कब की थी, 1928 में किया था। इस प्रकार हमने इस चारों प्रश्न की व्याख्या हमने आपके सामने कर दी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, यहाँ से अगर किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो टॉपिक से जुड़ा, तो आप हमसे निसंकोच पूछ सकते हैं और हम आपको निसंकोच इस प्रश्न का जवाब भी देंगे। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, 6 प्रश्न हो चुके हैं, शेयर कर दीजिए वरना जो आएगा वो लेट हो जाएगा, तो कई प्रश्न उसके छूट जाएंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, सोशल मीडिया मार्केट कंपनी फ्लिपकार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन, किसे नियुक्त किया, सभी लोग जवाब देंगे कि फ्लिपकार्ट ने ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। ये करंट का सवाल है और करंट की पीडीएफ आपको डेली टेलीग्राम पर मिलती है, जहां आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर देख सकते हैं। नैनो मैगजीन की पीडीएफ सुबह आपको 6:30 बजे उपलब्ध हो जाती है टेलीग्राम पर, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, 9:30 बजे क्लास चलती है, जिसका उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए और बी दोनों, मतलब रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर दोनों हैं, ये दोनों फ्लिपकार्ट के ब्रांड एम्बेसडर थे, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा डी होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से क्या इनपुट डिवाइस नहीं है। यह प्रश्न कैसा है, नकारात्मक है, मतलब यहां पर पूछ रहा है कि यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, 3 है और 1 नहीं है, तो जल्दी से कमेंट करिएगा, सवाल का जवाब दीजिएगा कि अगर परीक्षा में होते तो इस प्रश्न का उत्तर आप क्या लगाते, एकदम आसान जवाब दीजिएगा। 50 प्रश्न की सीरीज आपके सिलेबस के आधार पर, आपके पाठ्यक्रम के आधार पर है, जैसा आपके परीक्षा में सिलेबस में आता है। देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बार कोड रीडर ये इनपुट करता है, ऑप्टिकल मार्क इसे हम OMR कहते हैं, ये भी आता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर लिग्निशन ये भी आता है, लेकिन प्लाटर ये नहीं आता। प्लाटर, जी हाँ प्लाटर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं, ये आउटपुट डिवाइस है, जो चार्ट ग्राफ मैप आदि को हार्ड कॉपी प्रिंट करता है, इसे 3D प्रिंटिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, 3D प्रिंटिंग कहते हैं, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, इसे क्या कहते हैं, 3D प्रिंटिंग के नाम से जानते हैं। जबकि MICR जिसे हम मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन कहते हैं, फिर OMR ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन कहते हैं, बारकोड रीडर, ये सभी कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है। मतलब इस प्रश्न का अगर सही विकल्प आप लगाएंगे ए, जो गलत है वही सही है, प्लैटर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, यहां से किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, यहाँ पे मैं एक भी प्रश्न, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो आपकी परीक्षा में न पूछा जाए। अगला है, अब इतिहास के भी सवाल आपके सिलेबस में है, शायद आपको पता होना चाहिए, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, विज्ञान, कंप्यूटर, करंट, रीजनिंग, ये आपके सिलेबस में है पेपर फर्स्ट के सीरीज में, जो सबके लिए अनिवार्य है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित, इन सभी के बारे में एक एक लाइन आपको बताना मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। ये वीडियो फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव आपके लिए चल रहा है। 1800 बहुत ही ऐतिहासिक सिलेबस में भी है, ये SST में भी है, जूनियर के GS में भी है, ठीक है। देखिए यहां पर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने बहुत ही सही जवाब दिया है, डलहौजी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, मिंटो, लॉर्ड लिटल, लॉर्ड कैनिंग, इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग होगा। आइए ध्यान से देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय जो वायसराय था ये लॉर्ड कैनिंग था, ये कुशल राजनीतिज्ञ था, इसने सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग 1858 भारत के पहले वायसराय बने, ये भारत के पहले वायसराय भी बने। इन्हीं के समय में विधवा
पुनर्विवाह लिखना चाहें लिख लीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग से जुड़ा हुआ लिख लीजिएगा, सबसे पहला विधवा पुनर्विवाह कब आया था इनके समय 1858 के तहत कलकत्ता मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है, इन्हीं के समय में हुई थी। यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहते हैं? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, जब आप जरूर देंगे, ये मान कर देंगे कि यह समय आप परीक्षा हाल में बैठे हैं, न कि आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑनलाइन क्लास में बैठे हैं। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। बताइए जल्दी से इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। 10 क्वेश्चन हो गए, शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथी जो है उनको 40 प्रश्न का लाभ मिल सके, क्योंकि परीक्षा वाले प्रश्न है जो परीक्षा में हूबहू पूछे जाते हैं। जी हाँ, ये परीक्षा में हूबहू पूछे जाते हैं। बताइए सभी लोग कमेंट करके। देखिए, भारतीय उपद्रव का पिता कहते हैं, एकदम सही आप लोगों ने बताया है, बाल गंगाधर तिलक को। किसे? बाल गंगाधर तिलक को, एकदम सही जवाब है। देखिए, ये तिलक को उपाधि वैलेंटाइन सिरोल ने दी थी, ये उपाधि किसने दिया था, ये बड़ा प्रश्न है। किसने दिया था, उन्हें किसने भारतीय उपद्रव का पिता कहा था? कोई कमेंट करके बता सकता है इसे? वैलेंटाइन सिरोल ने ये उपाधि दिया था। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन में तिलक केसरी के नाम से इन्हें जाता, इन्हें किया तिलक केसरी। और तिलक ने 1853 में गणपति, जी हाँ, गणपति महोत्सव कब? 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव को शुरुआत की थी। कॉपी कलम अगर कहीं नोट लिख रहे हो तो जरूर लिखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति और 1895 में शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया था। इन्हें केसरी कहा जाता है, तिलक पत्र में इन्हें केसरी कहा जाता है। ये दोनों प्रश्न आप याद रखिएगा। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? जल्दी से कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? देखिए, पुष्कर मेला, एकदम सही आप लोग जवाब दे रहे हैं कि जो पुष्कर मेला है ये अजमेर, राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। यहाँ काफी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। दूसरा यहाँ पे है, सभी लोग ध्यान देखिएगा कि बिहार में कौन कौन सा मेला लगता है, किसी को पता है? यहाँ पर सोनपुर का मेला लगता है, सोनपुर मेला, ठीक, पितृपक्ष मेला, श्रावणी मेला काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा मेला लगता है, किसी को पता है? लिखना चाहे लिख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला, कुंभ मेला, खिचड़ी मेला, उत्तर नारायणी मेला, ऐसे बहुत सारे मेले हैं जो आपके परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो नागाजी का मेला, रामलीला का मेला, सिंहस्थ कुंभ मेला, उज्जैन का मेला यहाँ पे लगते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा आपका चौथा या डी का राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, शायद आपको दिख रहा होगा, कह रहा है दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके सिलेबस में अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, जूनियर शिक्षक भर्ती पास करना चाहते हैं, तो सामान्य अध्ययन की सीरीज में इतिहास भी है, यह मध्यकालीन इतिहास है। जवाब दीजिए सभी लोग। देखिए, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने करवाया था। और दिल्ली में लाल किला, लाहौर द्वार, दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, नौबत खाना आदि का निर्माण शाहजहां ने कराया था। शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण, लेकिन इसके साथ साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं।
ध्यान दीजिएगा, शाहजहां के जो शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं। अगर आप और लिखना चाहते हैं तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी का जामा मस्जिद बनवाया था। कुछ लोग अकबर कह रहे हैं, तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी का जामा मस्जिद बनवाया था और दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। यह दोनों बात याद रखिएगा, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का जामा मस्जिद जबकि शाहजहां ने दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। ये दोनों वाले महत्वपूर्ण हैं और इसे मुगल काल का स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला है अपेंडिक्स 2019, सैन्याभ्यास का आयोजन 18 से 27 मार्च 2019 के मध्य कहाँ किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पर होगा? पुणे महाराष्ट्र में। देखिए यहाँ पर अफ्रीका भारत फील्ड प्रशिक्षण अपेंडिक्स 2019 का आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रश्न नंबर 14, जल्दी से जवाब दीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक, जीएस की सीरीज का अलार्म लगा लीजिएगा, ये क्लास अनंत काल तक चलती रहेगी जब तक आपको सलेक्शन ना मिल जाए। हम यहाँ पे सभी तथ्य के बारे में व्याख्या करेंगे, पूर्ण रूपेण व्याख्या करेंगे। देखिए नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के याद में किया गया था 1901 में। यह पुरस्कार छह क्षेत्रों में दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार छह क्षेत्रों में दिया जाता है, छहों के नाम आप कमेंट करके बताएंगे जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। किसे? रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब? 1913 में। साहित्य का नोबेल दिया गया था इन्हें, इनकी पुस्तक का नाम गीतांजलि था। क्या था? लिखना चाहे लिख लीजिएगा, गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल मिला था। ठीक, फिर उसके बाद सीवी रमन को 1930 में, हरगोविंद खुराना को 1968 में, जबकि 1998 में अमर सिंह को कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए नोबेल मिला था। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट थे वो पूरी तरह से क्लियर हो गया। यार आप 500 लोग हैं, अगर 500 लोगों को शेयर करेंगे तो ये वीडियो उन सभी साथियों तक पहुंच जाएगा जितने लोग सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। चलिए, बुरा ये लगता है कि जितने लोग लाइव देख रहे उतने लोगों ने अभी तक लाइक तक नहीं किया। भगवान तब भी आप सबका भला करें, कोई मतलब नहीं है। चलिए, भारतीय नोबेल पुरस्कार के बारे में मैंने चारों बातें आपको व्याख्या करके बता दिया। अब आपको ये बताना है नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, जो शेयर किए हैं जो लाइक किए उनका भी भला, जो नहीं करें उनका भी भला हो, क्योंकि आप लोग क्या बताएंगे शब्द क्या कहें। सत्यार्थ प्रकाश किसने रचा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा। मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा। दयानंद सरस्वती ने इस ग्रंथ की रचना हिंदी में की और इसमें कुल 14 अध्याय हैं। ठीक, राजा राम मोहन राय के बारे में एक लाइन में कमेंट करके बताइएगा कि राजा राम मोहन का संबंध किससे है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, जब भी लोग कमेंट करके जो बताएंगे। 356 राष्ट्रपति शासन किसमें लगता है? राज्यों में। ठीक, अनुच्छेद 390 क्या है, कोई बता सकता है ये 390 क्या है? अनुच्छेद 395 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1974 द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 तथा इनके अन्य पूरक अधिनियमों को रद्द किया जाता है, यह 1995 में कहा गया है। ठीक है, 390 में क्या कहा गया है कमेंट करके बताइएगा। देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 कब समाप्त किया गया है जरा कमेंट करके बताइएगा। देखिए अनुच्छेद 370 अगस्त 2019 को समाप्त किया गया और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटाकर केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया, दो नए केंद्रशासित प्रदेश बने, उनका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा।
ठीक, समझ में आ गया सबको? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह 20 का सही जवाब होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो लोग लाइव देख रहे हैं कमेंट जरूर करेंगे, भारत में वर्तमान राज्य और भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी साथी जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, 15 तारीख से आपकी सुपर टेट की बैच शुरू हो रही है, अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं सभी लोग 15 तारीख से। आपके लिए इन लर्निंग विद दुर्गेश पर भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, SST, इन सभी के लिए शुरू होने जा रही है, चाहे तो आप जुड़ सकते हैं। पुस्तक VR डिस्प्लेड के लेखक या लेखिका कौन है, जवाब दीजिएगा। देखिए, इस पुस्तक के लेखक मलाला यूसुफ़ज़ई हैं, इन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आप जरा बताइएगा, मलाला यूसुफ़ज़ई किस देश से संबंधित हैं, और मलाला जी की पुस्तक, जी हाँ, अगर तस्नीमा नसरीन की देखा जाए, इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें मैं आपको जरूर लिखवाना चाहूंगा। ये है लज्जा, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक, शोध इनकी प्रमुख पुस्तक है जो परीक्षा में एकदम रट लीजिएगा। किसकी? तस्लीमा नसरीन की। मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो, ये तस्लीमा नसरीन की पुस्तक का नाम है। अमार मे बेला, अमार मे ए बेला, ये तस्लीमा नसरीन की उन प्रमुख पुस्तक हैं जो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछी जाती हैं। शशि थरूर की बात करें तो बताइए, शशि थरूर की कौन कौन सी पुस्तकें आपने पढ़ा है, बताइए। वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम हिंदू, बहुत ही प्रसिद्ध किताब इनकी है। पैक्स इंडिया, पैक्स इंडिया किसकी? शशि थरूर की है। हाँ, शशि थरूर की, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, ये शशि थरूर की 3 ऐसी पुस्तक हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। जी हाँ, बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। जूली कॉलिंसन, ऐसे अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो शायद आप परीक्षा में बीट नहीं कर पाएंगे। उतनी आसान नहीं है जितना हम आप समझते हैं, लेकिन अगर ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे, चारों विकल्प को व्याख्या करेंगे, यकीन मानिए परीक्षा में एक सीट आपकी जरूर होगी। जूली कॉलिंसन, जूली कॉलिंसन की प्रसिद्ध पुस्तक है ब्लड टाइल्स, ब्लड टाइल्स, हो सकता है परीक्षा में पूछ दे, ब्लड टाइल्स है। स्नो ब्लाइंड जूली, ये इनकी पुस्तक है, स्नो ब्लाइंड। हम आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। अगला है आपके सामने प्रश्न, एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम यूनिक प्रश्न है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा और जवाब दीजिएगा। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को नामित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। देखिए, ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, ई लर्निंग में दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर बात कर सकते हैं। ये क्लास जौनपुर जनपद से चलती है, मेरे द्वारा क्लास पूरी तरह से निःशुल्क होती है, देश हित में, राष्ट्रहित में। बाकी अन्य क्लास के लिए यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं, फेसबुक पेज ई लर्निंग दुर्गेश पर निःशुल्क है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, अनुच्छेद किसके अंतर्गत? 331, अनुच्छेद 331 के आधार पर भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को नामित कर सकता है, जबकि राज्यसभा में कितने? 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा, इसे अभी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत पोस्टपोन किया गया है, कमेंट करके बताइएगा। एक छोटा सा सवाल, भारत का राष्ट्रपति संसद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? कितने सदस्यों को मनोनीत करता है संसद में, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अब ये देखना है कि सबसे सही, सबसे पहला इस प्रश्न का उत्तर कौन देता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सबसे पहले इस प्रश्न का जवाब कौन देता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो कितने सदस्यों की मनोनीत करता है संसद में, बताइए जल्दी से कमेंट करके।
जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथी हो, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। बताइए अब बताइए, आप लोग जवाब ही नहीं देते, यही हाल है कि जब हम पढ़ाते हैं तो आप जवाब ही नहीं देते। चलिए ध्यान से देखिएगा, 12 + 2 तो कुल 14 लोग को मनोनीत करता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा गया। ध्यान से देखिएगा, इसके तीन उत्तर होते हैं। पहला आंसर ध्यान से लिखिएगा, तीन उत्तर मैं लिखवा रहा हूं, प्रस्तावना, दूसरा मूल अधिकार, तीसरा अनुच्छेद 32। अगर अंबेडकर शब्द का प्रयोग किया गया है तब आप वहां पे अनुच्छेद 32 लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर यह कह देता कि भारत के संविधान की आत्मा हृदय किसे कहते हैं, तब आपका उत्तर प्रस्तावना, इसे उद्देशिका कहते हैं, प्रस्तावना उद्देशिका। अगर यह भी ऑप्शन में ना होता तो मूल अधिकार, लेकिन अगर अंबेडकर शब्द का प्रयोग करेगा तो हमेशा आपको अनुच्छेद 32 को ही टिक करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी। अब जरा कमेंट करके बताइए अनुच्छेद 14 क्या है, अनुच्छेद 29 क्या है, 25, ये तीनों परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ऐसी क्लास YouTube पे मिल जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अनुच्छेद 14 क्या है सभी लोग बताइएगा, फ्रीडम इक्वलिटी क्या है, अनुच्छेद 29 क्या है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 25 क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान का, इसे हम भाग 3 कहते हैं। भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और यहां से आपके परीक्षा में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि संपत्ति बाजार में रियल एस्टेट किसे कहा जाता है। आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस में अर्थशास्त्र भी है, अर्थव्यवस्था भी है। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जी हाँ, 15 तारीख से आपके लिए नई बैच शुरू हो रही है, 15 तारीख से 50 दिवसीय बैच में आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे, टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके जुड़िएगा, निशुल्क क्लास का आनंद लीजिए, बाकी अन्य क्लास के लिए जुड़ सकते हैं। संपत्ति बाजार में रियल एस्टेट में कहा जाता है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा भूमि एवं रिहायशी क्षेत्र को, इसे रियल एस्टेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट का मतलब होता है घर या ऑफिस के लिए संपत्ति का निर्माण करना। रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में सेल्स मैनेजर ठीक उसी प्रकार संपत्ति बेचकर अपनी कंपनी के लिए बिजनेस लाता है, जिस प्रकार एक बैंक सेल्स मैनेजर लोन, म्यूचुअल फंड या क्रेडिट कार्ड, डीएलएफ बिल्डिंग, मार्सिन ग्रुप, एनसीटी प्रोडक्ट आदि हैं। इसलिए प्रश्न का उत्तर जो होगा ए होगा। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें, 9:30 बजे प्रतिदिन चलती है। जी हाँ, सिलेक्शन वाली क्लास है। अब आपके सामने है प्रश्न नंबर 21। भारत 27 मार्च को अंतरिक्ष में उपग्रह को मार गिराने में सक्षम एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत की यह उपलब्धि प्राप्त करने वाला कौन सा देश बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। यह डीआरडीओ ने बनाया था। किसने? इसे डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक, जल्दी कमेंट कर बताइए। बताइए सभी लोग, डीआरडीओ को फुल फॉर्म क्या होगा? जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं ना, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होगा। सभी साथी, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, जल्दी कमेंट करके बताइए। देखिए, डीआरडीओ को फुल फॉर्म सभी लोग को बताना है, डिफेंस रिसर्च, उसके बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये डीआरडीओ का फुल फॉर्म है। यह इस प्रश्न का उत्तर जो होगा चौथा देश होगा। कैसे? डीआरडीओ ने 27 मार्च एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा ओडिशा, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो ओडिशा से मिशन शक्ति के तहत, किसके मिशन शक्ति के तहत, मिशन शक्ति के तहत सफल परीक्षण किया था। इस परीक्षण में देखा जाए तो पहले पे अगर हमें देखे पर यूएसए है, दूसरे पे कौन है जरा कमेंट करके बताइए, चीन है। लेकिन अगर भारत की बात, चौथे स्थान पर आता, ठीक, पहले पे रूस है, रुक जाइए, पहले पे रूस है, दूसरे पर
ठीक है, अब अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है? आइए ध्यान से देखते हैं। देखिए ज्वार भाटा के बारे में आपको थोड़ा सा स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, पहले इस प्रश्न का उत्तर दे लीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ज्वार सबसे ज्यादा कहाँ पे आता है, सबसे ज्यादा ऊंचा ज्वार। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, ठीक बताइए सभी लोग कमेंट करके, सभी लोग फटाफट जरूर कमेंट करिएगा। देखिए मैं आप इस प्रश्न को अच्छे से समझाने के लिए मैं इसे डिफाइन करने जा रहा हूं, ज्वार और भाटा क्या होता है ध्यान से देखिएगा, यहां से एक परीक्षा में आपके प्रश्न आते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका उत्तर मैं बता दे रहा हूं। फंडी की खाड़ी क्या होगी? फंडी की खाड़ी, ये फंडी की खाड़ी जो है ये कहां पर है? यूएसए, एक महासागर में आता है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें 18 मीटर, 18 मीटर ऊंचा, जी 18 मीटर ऊंचा आता है, इसका एक छोटा हिस्सा अमेरिकी राज्य की मेन को छूता है। खंभात की खाड़ी तिकोनी है, कच्छ की खाड़ी अरब सागर के उत्तर हिस्से में है। आइए इसके बारे में ज्वार भाटा को अच्छे समझते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए यहां से ध्यान से देखिएगा, यह हमारा सूर्य हो गया, यह हमारा सूर्य हो गया, ये बीच में हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी बीच में क्या हो गई? पृथ्वी हो गई। अब यहाँ पर हम चंद्रमा की तीन स्थिति बनाते हैं, एक स्थिति, दो स्थिति, तीन स्थिति, चार स्थिति। ध्यान से देखिएगा, जब सूर्य और चंद्रमा, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा किस पर होंगे? देखिए ये समकोण पर होंगे, जब किस पर होंगे? समकोण पर होंगे, 90 डिग्री पर होंगे, तो लघु ज्वार आएगा। क्या आएगा? लघु ज्वार आएगा। क्या लघु ज्वार? लेकिन जब ये ध्यान से देखिएगा आप लोग, जब ये कंडीशन दो होती है, एक यहां पर लघु ज्वार कब आएगा ध्यान से देखिएगा, एक तो ये कंडीशन, दूसरी ये, माने इस कंडीशन में क्या आएगा? लघु ज्वार आएगा। क्या आएगा? लघु ज्वार आएगा। कितना? लघु ज्वार आएगा, मतलब जब ये समकोण पर होगी या 90 अंश पर होगी, लेकिन ठीक विपरीत जब ये एक सीधी या सरल रेखा में होगी, अर्थात 180 डिग्री पर होगी, तब दीर्घ ज्वार आएगा। तब क्या आएगा? दीर्घ ज्वार आएगा। आपको पता है एक ज्वार आने के बाद अगला ज्वार, एक ज्वार आने के बाद अगला ज्वार 52 मिनट की देरी से आता है। कितने? 52 मिनट की देरी से। आइए ध्यान से देखते हैं कैसे। देखिए ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये हमारी हो गई पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी हो गई, और ये पृथ्वी के बाद यहां पर मान लीजिए हमारा चंद्रमा हो गया, ठीक है। यहां पे अगर एक ज्वार आया, क्योंकि इस पे आकर्षक शक्ति एक साथ हो गई, यहां पे आपका सूर्य है, यहां पे आपका सन है। अब अगर यहां पे माना रात के 10 बजे ज्वार आता है, कितने बजे? 10 बजे ज्वार आता है, अगले ज्वार के दिन क्या होगा ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगले ज्वार के समय फिर पृथ्वी अपनी एक चक्कर पूरा करके यहां पहुंचेगी, ठीक है। जब पृथ्वी एक चक्कर पूरा करेगी, क्या तब तक चंद्रमा यहां इंतजार करेगा? जी नहीं, चंद्रमा यहां आ जाएगा, माने डॉट 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 यहां आ जाएगा, माने ज्वार लाने के लिए पृथ्वी को इतनी दूरी और तय करनी पड़ेगी। कितनी दूरी? 12 डिग्री 2 मिनट। इतनी दूरी को तय करने के लिए पृथ्वी को कितना? 52 मिनट का समय लगेगा। कितना? 52 मिनट का समय लगेगा। इसलिए एक ज्वार जब अगला ज्वार आता है तो 52 मिनट की देरी से आता है, याद रखिएगा, ठीक यह बात याद रखिएगा, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे रहा है? जी हाँ, ये पर्यावरण का सीरीज है और पर्यावरण आपके पाठ्यक्रम में भली भांति दिया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सभी साथी। सभी लोग फटाफट जरूर कमेंट करें, क्योंकि जब आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग बकलोली करने के लिए आ जाएंगे, तो उनकी बकलोली को ध्यान मत दीजिएगा, आराम से पढ़ते रहेगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? आइए इस विषय पर हम लोग बात करते हैं। चिपको आंदोलन ये वन कटाई को रोकने के लिए, किसे? वन की कटाई को रोकने से संबंध में है। इसकी शुरुआत उत्तराखंड में 1973 से होती है। लोग यहाँ के पेड़ों को चिपक कर क्या करते हैं? यहाँ पर चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन कौन है, जल्दी से कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। सभी लोग, सुंदरलाल बहुगुड़ा, चंडी प्रसाद भट्ट, ये प्रमुख सहयोगी थे। सुंदरलाल बहुगुड़ा थे चिपको आंदोलन के प्रेरणा, और श्री चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक। ये 73 में कहां पर? चमोली जिले। कहां से? चमोली। किस
स्थान से तो गुप्तेश्वर नामक स्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर ए है। अब मेरा सवाल है आपसे, अपिक्को आंदोलन क्या है? इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अपिक्को आंदोलन क्या है? सभी साथी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। अपिक्को आंदोलन क्या है? अगला, कोंकण रेलवे राज्यों में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए सवाल का जवाब देंगे। चाहे जिस माध्यम से आपको जवाब देना है, जवाब जरूर दीजिएगा। सभी लोग फटाफट जरूर कमेंट करिएगा। एनसीईआरटी नहीं है, इस मिल जाएगा। 50 प्रश्न आपके सिलेबस में है, अभी हम लोग 24 तक पहुंचे हैं। देखिए, ये गोवा से जाता है, महाराष्ट्र से, कर्नाटक, लेकिन यह केरल राज्य से होकर नहीं जाता, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा बी होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और यह गोवा के मझगांव गुजरते हुए कर्नाटक के मैंगलोर स्टेशन तक जाती है। इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो 760 किलोमीटर है। कितना है? 760 किलोमीटर है। ठीक, से किस ईंधन के कारण पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके सिलेबस में है, आपके पाठ्यक्रम में है, तो जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, अपिक्को आंदोलन का भी संबंध जंगल बचाव से है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जी हां, हाइड्रोजन इसका सही जवाब होगा। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर हाइड्रोजन बताया है, उन सभी के जवाब सही हैं। क्या आपको क्लास समझ में आ रही है? क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे आप संतुष्ट हैं? अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है अपना समय मत बर्बाद करेगा। आपका समय कीमती है और आपके सिलेक्शन का हर एक मिनट महत्वपूर्ण है। ठीक, अगला प्रश्न है, ट्रेन 18 क्या है? जवाब दीजिएगा, ट्रेन 18 क्या है? ट्रेन 18 क्या है? जल्दी से जवाब दीजिएगा, ट्रेन 18 क्या है? बताइए सभी लोग, सभी लोग जवाब दीजिएगा, ट्रेन 18 क्या है? देखिए, ट्रेन भारत की अत्याधुनिक रेलगाड़ी है। यह भारत में निर्मित होने वाली पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो इंजन रहित है, और यह इसका नाम ट्रेन 18 रखा गया क्योंकि इस ट्रेन की शुरुआत 2018 में हुई थी, इसलिए इसका नाम ट्रेन 18 रखा गया है। यह शताब्दी एक्सप्रेस की जगह लेने वाली है। इसका पहला परीक्षण 29 अक्टूबर को हुआ था। 29 अक्टूबर 2018 को इसका पहला परीक्षण हुआ था। इसकी अधिकतम अगर चाल की बात करें 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसका नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन के की गई थी? सभी लोग जवाब, 1873 में, 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? जवाब जरूर दीजिएगा, आप लोग सिलेक्शन लेने वाले सरकारी मास्टर बनेंगे भविष्य में। तो देखिए, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? भैया, सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था। कब? 1873 में। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय, उन स्त्रियों के लिए अनेक पाठशालाएं, अनाथालय खोले, ज्योतिबा में धर्म पुराणों का भंडार फोड़, इशारा चेतावनी है। 1888 में लोग इन्हें महात्मा कहने लगे। इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। समझ में आया सबको? अगला, सभी लोग फटाफट जवाब दे देंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर है? सभी साथी फटाफट जवाब देंगे। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। जी हाँ, 15 तारीख से आपके लिए ऑनलाइन बैच शुरू हो रही है। आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश से। सभी साथी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। और क्लास नोट्स के संबंध में जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मेरी क्लास आपको निःशुल्क देशहित में, राष्ट्रहित में उपलब्ध है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा
इसे IMF कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों को आर्थिक स्थिति पर नजर रखती है और उन्हें तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन 23 दिसंबर 1945 को हुई थी। कितने देशों की सहमति से? तो 29 देशों की सहमति से इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस राज्य में 1 रुपये में 1 किलो चावल योजना शुरू की गई? 1 रुपये में 1 किलो चावल, बताइए, जवाब दीजिएगा सभी लोग, सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा सभी साथी, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा कि 1 रुपये में 1 किलो चावल योजना की शुरुआत किसने किया था। इस प्रश्न का उत्तर होगा तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार में इन्होंने घोषणा पत्र में देने का किया था। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, 15 तारीख से नई बैच आपके लिए आ रही है। मेरी क्लास निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में एज ए गेस्ट के रूप में होगी। बाकी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं इलेनिक दुर्गेश पर, टेलीग्राम पर निःशुल्क है आपके साथ। अगला है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के अभूतपूर्ण योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया। रूस के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन है? बताइए, जवाब दीजिए सभी लोग, सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिए, भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। ठीक, प्रेसिडेंटियल मेडल ऑफ फ्रीडम यह अमेरिका सबसे बड़ा पुरस्कार है। जायद मेडल ये किसका है? संयुक्त अरब अमीरात का, संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूड द एपोस्टल, ये रूस का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो आप लोग इस चारों प्रश्न का उत्तर मिल गया, सभी को चारों प्रश्न का उत्तर मिल गया ना। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी का सही जवाब होगा। क्या सबको समझ में आ गया? जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे इसे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, जहां भी आप देख रहे हैं, अभी 30 प्रश्न हुए, 20 प्रश्न और होने हैं अभी आपके। अगला है, टाइगर बुड्स का नाम किससे संबंधित है? टाइगर बुड्स का नाम किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी लोग जवाब दीजिएगा। ये अमेरिका के एक गोल्फ खिलाड़ी है, ये अमेरिका के एक गोल्फ के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगला, जिसको वीडियो साफ नहीं देख रहा है, 3 डॉट विंडो पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल था, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल था, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग जवाब दीजिएगा, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ था। इसमें 11 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया था। कितने? 11 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 489 खिलाड़ी थे। खिलाड़ी संख्या कितनी थी? 489 थी। इसमें प्रथम 3 जापान, भारत, ईरान को प्राप्त हुए थे। फिर आगे चल के 9वां एशियाई, 9वां भी दिल्ली में होता है। कहाँ पर? दिल्ली में। कब? 1982 में। ठीक है, अब रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं इसके चारों के बारे में बता रहा हूँ, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक, 27 फरवरी को तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर 28 फरवरी होता तो विज्ञान दिवस होता। ठीक, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। ठीक है, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं।
ठीक, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या नहीं है ना? चलिए, 17 मई दिया है तो 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस, विश्व दूर संचार दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी को डाउट है? नहीं है ना? चलिए अगला है, पाउंड किस देश की मुद्रा है? पाउंड किस देश की मुद्रा है? देखिए, फिनलैंड का फ्रैंक है, ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड एक द्वीप है और यहां पर इसका मुद्रा क्रोन है, क्योंकि डेनमार्क का आधिपत्य है। आयरलैंड का पाउंड है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जवाब होगा, तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है उन सभी के जवाब क्या होगा? सही होगा। ठीक, समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें सभी लोग। अगला है, उठाए हुए हथौड़े का सवाल है, सिर्फ गति शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, विद्युत शक्ति, ध्वनि शक्ति, क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिएगा, बताइए सभी लोग, सभी लोग जवाब जरूर दीजिए। देखिए, उठाए हुए तोड़े में क्या होता है, जवाब जल्दी करिएगा। 35, इन्हें ध्वनि शक्ति होती है। कौन सी? ध्वनि शक्ति होती है। डिप्थीरिया और पोलियो को रोका जा सकता है, कैसे? डिप्थीरिया और पोलियो रोगों को टीकाकरण के द्वारा रोका जा सकता है। किसे? टीकाकरण के द्वारा रोका जा सकता है। डिप्थीरिया के लिए, अगर डिप्थीरिया की बात करें, इसके पीटी का टीका लगता है। किसका? DPT का टीका लगता है। पोलियो की अगर हम बात करें तो पोलियो के लिए OPV का टीका लगता है, याद रखिएगा। ठीक, ये दोनों प्रश्न की स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला, प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा। 37, समुद्र में जल किस प्रक्रिया शुद्ध किया जा सकता है? समुद्र के जल को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। ये 50 प्रश्न आपके लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, आपके सिलेबस के आधार पर शिक्षक भर्ती जूनियर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, देखिए कुछ लोग 35 कह रहे हैं गलत है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। 35 में उठाए हुए हथौड़े में ध्वनि शक्ति होती है। समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? 37 नंबर बताइएगा। यह आसमन के द्वारा। किसके द्वारा? आसमन के द्वारा। विश्व में ऐसे अनेक समुद्री देश हैं जहां पे पर्याप्त मात्रा में पेयजल नहीं है, वहां पर समुद्र जल को पेयजल प्राप्त करने के लिए आसमन विधि का ही प्रयोग करते हैं। 38, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है इसमें से? जवाब जरूर दीजिएगा। यह होगा कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कार्बोहाइड्रेट से कार्बन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन होते हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। मंड, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, शर्करा, ये मीठे भी होते हैं। ये शरीर में शक्ति उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत होते हैं। विटामिन क्या करते हैं हमारे शरीर में? कमेंट करके बताइएगा। अगला है 39, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? हमेशा याद रखिएगा, एकदम आसान सवाल है। चुंबकीय सुई कंपास में देखा होगा, जिसका चीन के आविष्कार धन राजवंशन ने किया था। कंपास का आविष्कार चीन में हुआ था, बताइए। देखिए, ये हमेशा आपने मैप में देखा होगा, ऐसे चिन्ह होता है ऐसे, इसका मतलब होता है ये हमेशा उत्तर दिशा की तरफ बताता है। और ध्रुव तारा किस दिशा का द्योतक है? कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। इसके आधार पर अन्य दिशाएं हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया सबको? याद रखिएगा, हमेशा ध्रुव तारा किस दिशा का द्योतक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 40, जल्दी से कमेंट करके बताइए। एक छोटा सवाल, भारत में कितने राज्य हैं? भारत में राज्य कितने हैं और केंद्र शासित कितने हैं? ये जो सिलेबस में है,
सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, बहुत से लोग इस प्रश्न का उत्तर गलत बता रहे हैं इसलिए मैंने ये प्रश्न दिया था। जी हाँ, 15 तारीख से शिक्षक भर्ती की न्यू बैच हो रही है, चाहे आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। 6306344367 यह जौनपुर से होगी। मेरी क्लास आपको निःशुल्क देश हित में राष्ट्रीय में मिलती है। राज्य देखिए 28 राज्य है। कैसे 28 राज्य है? पहले 29 राज्य हुआ करता था लेकिन एक राज्य कम हो गया, कौन? जम्मू कश्मीर। अब इसकी संख्या 28। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, पहले 7 था, फिर 2 बढ़ गए, फिर माइनस 1 हो गया, अब हो गए 28, 8 हो गए, अब कितने हो गए? 8। पहले 7 थे और लद्दाख 2 बढ़े, लेकिन दमन दीव दादरा नगर हवेली 1 हो गया। अब जैसे इसकी ये कब घटा था? ये घटा था 5 अगस्त 2019 को, लेकिन ये एक नया कब जुड़ा? ये जुड़ा था 26 जनवरी 2020 को। दादर नगर हवेली दमन दीव को 1 कर दिया गया, जिसकी संख्या घट गई। अब केंद्र शासित प्रदेश 8 और राज्य 28, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। की दक्षता है कितनी है जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट कर बताइए। रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते, खेत में नहीं। फॉर्म में दक्षता अधिकतम है, यह पूर्ण भार के आधे पर चलता है। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा 40 का वो आपका है। इसकी तांबा हानि लोहा हानि के बराबर है। जी हाँ, एक ट्रांसफार्म अधिकतम दक्षता इसकी कापर तांबा लोहा हानि के बराबर है, जबकि सामान्य लोड पर साधारण ट्रांसफार्मर की क्षमता अधिक होती है। अगर इसके सूत्र की बात करें तो यह होता है आउटपुट शक्ति गुणे 1000 बटे इनपुट शक्ति, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करने का। ठीक है, ट्रांसफार्मर का दक्षता ज्ञात करने का यह इसका सूत्र है। ठीक, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। अगला है आपके सामने, अब हम रीजनिंग की शुरुआत करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपके पाठ्यक्रम में रीजनिंग है। यहां पे कह रहा है यदि किसी कुट भाषा में प्लस का अर्थ गुणे हो जाए, प्लस का अर्थ क्या हो जाए? गुणा, और माइनस को प्लस, और गुणे को भाग, और भाग को माइनस प्रस्तुत करता है, निम्नलिखित क्या होगा? 8 भागे 4 है, तो भाग का क्या हो जाएगा? माइनस 8 माइनस 4 हो जाएगा 8 माइनस 4। गुड़े का क्या हो जाए? गुड़े का जोड़ भाग हो जाएगा, तो भाग 2। फिर माइनस का क्या होगा? प्लस 9। प्लस का गुड़े हो जाएगा 3। इसी को हल करना है, तो 2 चौके 8, 2 हो जाएगा। देखिए 8 माइनस 2 प्लस 9 3 27, 8 में 2 गया 6, 27 और 6 33। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। ठीक, समझ में आ गया सबको? कोई डाउट किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, चलिए। जिनको नहीं आता उनको गलत लगेगा ना? ठीक है, जिनको खुद नहीं आता उनको गलत तो लगेगा ही। जाके एनसीईआरटी चेक करें, एक ही प्रश्न गलत हो जाए फिर आप बताएं। एनसीईआरटी चेक करिएगा, अच्छी बुक, ऑथेंटिक बुक। कथन, क्या भारत में अनुवांशिक रूप में संशोधित बिनौला के उपयोग से प्रतिबंध तत्काल उठा लिया जाना चाहिए? बताइए, सभी लोग कमेंट करिए। क्या भारत में अनुवांशिक रूप में संशोधित बिनौला के उपयोग से प्रतिबंधित तत्काल उठा लिया जाना चाहिए? तर्क, हाँ, कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए सही एकमात्र तरीका है। नहीं, इन बीजों का मनुष्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, अतः इनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कथन के आधार पर आपको कारण स्पष्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, इसका केवल तर्क 2 ठोस है। कैसे? नहीं, इन बीजों का मनुष्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, सही बात, अतः इनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए अनुवांशिक रूप से संशोधित बिनौला को उपयोग से तत्काल उठा लेना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। ठीक, समझ में आया आपको? कोई दिक्कत? चलिए, 41 लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, 41 की स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है 43। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, यहां पे कथन कह रहा है, शहर में बहुत से लोगों को अत्यधिक संक्रामक दिमागी बुखार पीड़ित होने की सूचना है, कार्यवाहियां। ठीक है,
जिन लोगों को दिमागी बुखार से ग्रस्त होने का निदान किया गया उन्हें अस्पताल से अलग वार्डों में दाखिल किया जाना है। सरकार को सभी नागरिकों को से ऐसे सभी रोगियों को अवलंबन अस्पतालों में भर्ती करने की अपील करनी चाहिए। 43 का क्या होगा, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न का क्या अनुसरण, ये क्या करता है, ठीक सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिए सभी लोग ध्यान से दिखेगा, इसमें क्या है कि शहर में बहुत से लोगों के अत्यधिक संक्रामक दिमागी बुखार से पीड़ित होने की सूचना है। इसमें क्या होगा, बिहार ग्रस्त होने का निदान किया जाए, उन्हें अस्पताल अलग वार्ड में दाखिल किया जाए। सरकार को सभी नए ऐसे रोगियों से अवलंबन अस्पताल भर्ती कराने अपील करना चाहिए। यहां पर क्या होगा, द्वितीय यहां पर भी क्या है, केवल दो अनुसरण कर रहा है, क्या है, दो अनुसरण कर रहा है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, बी राइट आंसर है। ठीक चलिए हम आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। एकदम ऑथेंटिक सिलेबस के आधार पर प्रश्न मैं आपके लिए लाता हूं और पूरा एनसीईआरटी का काढ़ा है निचोड़ निचोड़ कर अगला आपके सामने है। क्या आपके सिलेबस में घड़ी है, एक बार ध्यान से देखिएगा। क्या आपके सिलेबस में कैलेंडर है, ध्यान से देखिएगा। 11 बजे घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच का कोण होगा, इसे ज्ञात करने का एक मैंने तरीका बताया था। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वैसे आपको ऑनलाइन क्लास में मैं इसको अच्छे से पढ़ा दूंगा। देखिए यहाँ पर होगा 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 कितने बजे, 11 बजे। 11 कैसे बजेगा, ये देखिए ये 11 होगा, ये होगा। अब एग्जैक्ट 11 है, जब एग्जैक्ट 11 बजेगा तो भैया कितने अंश का कोण होगा, एकदम दोनों के बीच में एक अंक का अंतर है, तो जब एक अंक का अंतर होता है तो यहाँ पे 30 अंश का कोण एग्जैक्ट, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी होगा, एग्जैक्ट 30 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का, 30 अंश का, ठीक है, एग्जैक्ट 30 अंश का कोण बनेगा। यहां पे कोई ट्रिक ही नहीं लगाना है, आराम से तुरंत आपको पता देना है। अब यहां पे कह रहा है, श्रीमती सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ मंगलवार 30 सितंबर 1993 को मनाई, अपनी अगली शादी की वर्षगांठ वह उसी दिन कब मनाएंगी, जरा कमेंट करके बताइएगा। आइए इस विषय पे हम आपका बड़ा लंबा समय खींचेंगे, इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ये सवाल थोड़ा सा आपका बड़ा लगेगा, ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा होगा, कैसे आइए देखते हैं। सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ 30 सितंबर 1997, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 30 सितंबर 1997, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 30 सितंबर 1997 को इन्होंने क्या किया, अपना जन्मदिन मनाया। इस दिन कौन सा दिन है, मंगलवार। अब हम 97 से अगर 98 की तरफ चलेंगे तो 98 क्या होगा, 1998, तो मंगलवार के बाद एक दिन जुड़ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा बुधवार, क्योंकि एक दिन यहाँ पे प्लस हुआ। फिर 1999 में आएंगे, यहाँ पर भी क्या होगा, एक दिन जुड़ेगा तो बुधवार के बाद बृहस्पतिवार होगा, यहाँ पे एक दिन जुड़ेगा। लेकिन जब हम यहाँ से इसके आगे सन 2000 में आएंगे, सन 2000 का जो फरवरी है इसमें दो दिन जुड़ेगा, क्यों, फरवरी जो होता है यहाँ पर 29 का होगा, जब 29 का फरवरी होगा इस महीने में, क्योंकि 29 के बाद ही फरवरी के बाद ही सितंबर आता है, तो बृहस्पति के बाद दो दिन जुड़ेगा, जब दो दिन जुड़ेंगे तो क्या होगा, बृहस्पति शुक्र और फिर शनि, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शनि। फिर 2001 में आएंगे, एक दिन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रविवार होगा। फिर 2002 में जाएंगे तो सोमवार होगा, एक दिन जुड़ेगा। 2003 में जाएंगे तो मंगलवार होगा, और यही पूछा है अगला जन्मदिन उनका कब होगा, तो कब होगा, 2003 में, तो सितंबर चल रहा था ना, तो 30 सितंबर 2003 को उनका बर्थडे मंगलवार को पड़ेगा, कब पड़ेगा, मंगलवार को। कैलेंडर आपके पाठ्यक्रम में है, कैलेंडर आपके सिलेबस में है, सब कुछ समझ में आ गया। वैसे हम लोग जब ऑनलाइन पढ़ेंगे तो इसके और अच्छे से ध्यान से देखेंगे, एक आपके पाठ्यक्रम में है, आपके सिलेबस में है। यहाँ से अगर किसी व्यक्ति को दिक्कत हो, किसी व्यक्ति को समस्या हो, रविवार को याद रखिएगा 11 बजे से लेकर 4 बजे तक नॉन स्टॉप संपूर्ण भारत का भूगोल की क्लास चलेगी, इसलिए आप लोग 11 बजे सुबह रविवार को तैयार रहिएगा, लाइव क्लास होगी जी हाँ, संपूर्ण भारत का भूगोल, चाहे जीएस के लिए पढ़ रहे हो, फर्स्ट पेपर के लिए, चाहे जूनियर के लिए, चाहे प्राइमरी, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, कथन और कारक यहाँ को बताना है, यह प्रश्न आप स्वयं बताएंगे, अब मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं बताऊंगा, मैं दोबारा से समझा दूंगा।
ठीक है। अवकाश का मकसद आराम, आनंद और फिर से ऊर्जा लवरेज होना है। आमतौर पर लोग छुट्टी में बाहर घूमने के लिए जाते हैं और वहीं थक जाते हैं। निष्कर्ष क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट। सभी क्लास के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम अगर ऐप हो तो दुर्गेश सर सर्च करके इलेनी विद दुर्गेश, जहाँ पे क्लास की PDF, निःशुल्क क्लास सब कुछ आपको मिलेगी। डिस्क्रिप्शन इसका लिंक होगा। अगर फेसबुक है तो इलेनी विद दुर्गेश। बताइए निष्कर्ष इसका क्या होगा 46 का। देखिए, अवकाश आराम करने के लिए होता है, बाहर घूमना और एक अलग वातावरण खुद आनंद से भर देता है। अगर यहाँ पर देखा जाए इस दोनों कथन का हिसाब से, तो कथन केवल निष्कर्ष एक में लागू होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए इसका सही जवाब होगा। ए क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो मैं इसे दोबारा तिबारा तब तक समझाऊं जब तक कि आप सभी के पूरे तथ्य अस्पष्ट ना हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं आपके तथ्य जरूर स्पष्ट हो गए होंगे। भैया अवकाश का मकसद जो है आराम, आनंद, फिर से ऊर्जा, लवरेज। आम तौर पर लोग छुट्टी बाहर घूमने के लिए जाते हैं, वहीं थक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अवकाश आराम करने के लिए होता है। यह बात ऊपर हमें दोनों कथन में स्पष्ट हुआ। ठीक, दो में फरवरी 29 का नहीं होता। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है 47। कह रहा है इस प्रश्न कथन तत्व के प्रमाण दर्शाया गया है। अच्छा, वो काफी बड़ा है ना, चलिए इसको छोड़ देते हैं। बताइए जरा कमेंट करके, सभी लोग जो लोग लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं। बताइए शामिल कर लिया जाए कि कतार में कुल लड़के की संख्या 28 हो जाए। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको हल करने का तरीका क्या है? अगर वर्तमान कतार में देखा जाए तो कुल कितने लोग थे? 4 ना, एक 12 से 4 है और दाएं से कितना है? 12 है, तो दोनों को जोड़ा गया कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 12 + 4 - 1, माने कुल 12 4 16 में से गया 15। कतार में कुल लोग 15 हैं, अर्थ 28 लड़के करने के लिए कतार में कितने शामिल करने पड़ेंगे? 28 - 15 = 13, माने 28 करने के लिए उसमें 13 लड़के और शामिल करने पड़ेंगे। इसलिए इस होगा वह बी होगा। क्या होगा? 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। क्या आप लोगों ने इसका उत्तर समझ लिया? क्या आपको इसका उत्तर समझ में आ गया? अगर आ गया तो यह सबसे से एक होगी। ठीक, कोई डाउट, कोई प्रश्न, कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। सबका क्लियर हुआ ना? चलिए 49 को ध्यान से पढ़िएगा। क्या कुल पन्नों की संख्या कितनी है? जवाब बताइएगा। मैंने इस पुस्तक के प्रारंभ में 132 पन्ने गिने, मेरी पत्नी ने इसी पुस्तक के अंत से शुरू करके 138 पन्ने गिने। ठीक, ये कहा हो गया। अब इसमें बताना है कि चारों विकल्प में से आपके हिसाब से क्या सही होगा, जवाब दीजिएगा कमेंट करने के बाद। सभी साथी सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। बताइए सभी लोग जल्दी बताइए। 9:30 बजे क्लास, मोबाइल में ना अलार्म लगा लीजिए। देखिए इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान होगा। क्या कथन एक और दो दोनों का डाटा मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, इस प्रश्न होगा डी होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर कर सकते हैं आप सभी। कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए अब आखिरी प्रश्न आज का है, प्रश्न नंबर 50। जल्दी से करिएगा और जवाब दीजिए। अच्छा, 50 से यहाँ 51 हो गया। आपको यहाँ 50 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है सभी साथी को। ठीक, ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, ये ऑफिस का नंबर है। ये जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए मेरे द्वारा एज ए गेस्ट के रूप में निःशुल्क संचालित की जाती है। अन्य क्लास के लिए यहाँ पे जोड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। ट्रेन ट्रैक पर चलती है। जिस प्रकार ट्रेन का संबंध ट्रैक से है, उसी प्रकार इसमें से दिए गए
किसका संबंध किससे है? सभी लोग जवाब दीजिएगा। आइडिया ब्रेन में, वाटर बोट में, फेम टेलीविजन में, अब बुलेट बैरल में, बताइए जल्दी से, सभी लोग बताइए। सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ सभी साथी, 15 से आपके लिए एक नई आगाज हो रही है। 15 तारीख सरकारी शिक्षक बनने के लिए एक बड़ी आगाज हो रही है आपके लिए। 50 दिवसीय मेरे द्वारा क्लासेस निःशुल्क होगी, SST, भाषा, साइंस, मैथ सभी की होंगी। जिस प्रकार इसका संबंध बुलेट बैरल, जिस प्रकार ट्रेन का संबंध ट्रैक से है, उसी प्रकार बुलेट का संबंध बैरल से है। धन्यवाद। ठीक, किसी कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो कमेंट कर सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी भी समस्या के लिए, व्यक्तिगत समस्या के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे दुर्गेश सर पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी अन्य सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्येक रविवार रविवार स्पेशल आपके परीक्षा के लिए 11 बजे से, जी हाँ 11 बजे से, सुबह की 11 बजे से शाम के 4 बजे तक एक बड़ी मैराथन क्लास चलेगी, जिसमें कल की सीरीज जो होगी, कल की जो टॉपिक, रविवार की जो टॉपिक होगी वो होगी भारत का, संपूर्ण भारत का भूगोल। तो क्या आप तैयार हैं? बताइए सभी लोग, सभी लोग बताइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आप सभी को क्लास टेलीग्राम पर, फेसबुक पेज पर मिलती रहेगी। वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। बेस्ट ऑफ लक। घोड़े रेस लगते हैं खेत में नहीं, और आप सभी रेस के घोड़े हैं, और आपकी रेस अपने आप से है, आपकी रेस सिलेक्शन से है। और इस बार अब की बार एक सीट हमार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब आपको इतिहास बनने और बनाने का सौभाग्य है, इसलिए इस भर्ती को अपने सामने से नहीं जाने दीजिएगा। 11 बजे मोबाइल में अलार्म लगा लीजिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, संपूर्ण भारत का भूगोल। एक दिन हिस्ट्री, एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन मैथ, एक दिन साइंस, एक दिन लैंग्वेज, एक एक दिन आपकी क्लास उठाएंगे और सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। जी हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपसे का। ठीक है, बाय बाय। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कल ये क्लास शेयर करके तैयार रखिएगा। ठीक है, जय हिंद जय हिंद मेरे साथियों, प्यारे शिक्षक साथियों। चलिए चलते हैं तब।